नमस्कार दोस्तों, ऑल फार्मिंग आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं मेरे इस चैनल के जरिए आपको अदरक उगाना सिखाऊंगा, वो भी ऑर्गेनिकली। तो मेरा यह वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा बर्तन, पॉट या कुछ ऐसा जिसके अंदर हम 1 फीट तक मिट्टी डाल सकें। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं वैसा कोई बर्तन। अब दूसरा, इसके लिए हमें चाहिए गोबर, सूखा हुआ या नया ताज़ा, जिसे हम खाद की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए ताज़ी मिट्टी, जो कि हम गार्डन के अंदर से खोद के निकालेंगे। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं वैसी मिट्टी जिसके अंदर कंकर पत्थर ना हो। कंकर पत्थर होने से अदरक को फैलने में मदद नहीं मिलेगी, उसके अंदर रुकावट बनेगी। इसके बाद हमें चाहिए पानी, जो इसको हम अंदर सीड्स को बोने के बाद डालेंगे। उसके बाद हमें चाहिए अदरक के सीड्स। ये अदरक के सीड्स यानी क्या होता है कि अदरक जो होता है वो गर्मी की मौसम जब ख़त्म होने आती है और बारिश की मौसम शुरू होने वाली होती है, तब वो अपने आप ही उगने लगते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नए नए बड्स फूटने लगे। तो अब हमें ये मिट्टी खोद लेनी है हमारे गार्डन के अंदर, और हमारे इस पॉट के अंदर उतनी मिट्टी लेनी है। सबसे पहले मिट्टी का हम एक पतला स्तर लगाएंगे इसके अंदर, सबसे नीचे वाले भाग में। इसके लिए हम किसी भी औजार की मदद ले सकते हैं, या मैं फावड़े की मदद ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसा स्तर बनाया है। मैंने 2 इंच ऊंचा भर दिया है अंदर। उसके अंदर कंकर पत्थर हो तो मैं अपने हाथ से चुन के निकाल रहा हूँ, और अगर कोई मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो तो उसको हम तोड़ लेंगे, दूसरे कंकर पत्थर अंदर से निकाल लेंगे। हमें इस मिट्टी को साफ रखना है। अब हम इसके अंदर, मैंने यहाँ सूखा हुआ गोबर रखा है, और यहाँ क्यों रख रहा हूँ कि यहाँ अंदर रहने से उसको हवा नहीं लगेगी, और ऊपर से हम बीज को बोने के बाद अंदर जो पानी डालेंगे तो वो पानी इसको भी मिलेगा, और अंदर ही अंदर ये सड़ने लगेगा और इसकी खाद बन जाएगी। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो कुदरती खाद कैसे बनाए गार्डन में, उसके ऊपर है, तो वह भी आप ज़रूर से देखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सभी गोबर के टुकड़े को अंदर रख दिया है। इसके बाद अब हम वापस इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, और अब की बार हमें 2 गुनी मिट्टी डालनी है। लास्ट टाइम हमने 2 इंच डाली थी, अब 4 इंच डालेंगे, और इसको भी सही कर लेना है। अंदर से कंकर पत्थर हमें चुन चुन कर निकाल लेना है। जितने कंकर पत्थर अंदर कम होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अब इसके बाद हमें भिगो के रखे हुए अदरक के टुकड़े है, जो बीज है उसके, उसको इसके अंदर लगाएंगे। उसको हम कैसे लगाएंगे कि उसकी जो बड्स है वो ऊपर आसमान की तरफ हो, उस तरह लगाना है, और एक दूसरे से 2 से 4 इंच तक दूर रखने है। हमारे पास यहाँ कम जगह है तो मैं इतनी दूरी रखता हूँ। अदरक हमने यहाँ जो जगह रखी है बीच के अंदर, सभी अदरक के टुकड़ों के बीच में, उतनी जगह में फैलेगा। अब हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, और हमें मिट्टी को दबाना वबाना नहीं है, क्योंकि हमको हल्की मिट्टी डालनी है ऊपर, और बस उसे ढक देना है। अगर मिट्टी को हम दबाएंगे तो उसके बड्स है वो टूट सकते हैं अंदर, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और अब हम आखिरी बार अंदर थोड़े बहुत जो कंकर पत्थर है उसको भी निकाल देंगे। इसके बाद दोस्तों, अब हमें इस मिट्टी के ऊपर आसपास के कई बड़े पत्ते होते हैं पौधों के, उसको लगा देना है मल्चिंग की तरह, क्योंकि इसको क्या ज़्यादा पानी चाहिए, इसको ढका रहना चाहिए। इसको हम पत्तों से ढक देंगे। आसपास कई सूखे पत्ते हो तो घास भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने बैंगन के पत्ते और ये जो गुआवा आता है अमरूद, उसके पत्ते सूखे हुए इसके ऊपर डाले हैं मैंने। जितने पत्ते ज़्यादा होंगे उतना हमारे इस अदरक के लिए फायदेमंद होगा। इसको सीधी धूप और सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए। इसको उगने के बाद हम हवा लगने दे और धूप लगने के, तो कोई इससे दिक्कत नहीं होगी, पर जब ये उग रहा होता है तब इसको नहीं
मिलना चाहिए और सीधा उसके ऊपर पानी भी नहीं पड़ना चाहिए। अब इसके ऊपर ढेर सारा मल्चिंग डालने के बाद हमें इसके ऊपर ढेर सारा पानी देना है, जिसके मदद से यह पूरी मिट्टी भीग जाए और उसके अंदर पानी चला जाए। अब पानी देने के बाद हमें इसे साइड पे रख देना है। थोड़े दिनों के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर से जहाँ जहाँ हमने अदरक डाला था वहाँ से बर्ड्स फूटना शुरू हो गए हैं, नए नए पौधे अंदर से निकलना शुरू हो गए हैं। जब इसकी जड़ें अंदर खाद तक जाएगी तो इसका बढ़ावा है जल्दी ही होगा। और ये जो पौधे आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये अदरक के पौधे हैं। यहाँ अभी 3 उगे हैं, दूसरे अभी थोड़े दिन में उग जाएंगे। बस तो हमें उनकी राह देखना है, उसको वापस ढक देना है। और अगर हमें मल्च मिल जाए दूसरा कहीं से तो हम उसको डाल सकते हैं। और बैंगन वाले पत्ते यहाँ से चले गए। अब यहाँ हम गुआवा के पत्ते, अमरूद के पत्ते डाल रहे हैं सूखे हुए। हमारे गार्डन में से ही मैंने ये लिए हैं। बस यहाँ हमारा वीडियो पूरा होता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।